गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरा एक न्यूज़ ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग सब सही होंगे। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही सुबह 6:48 पे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ पूरा में, तो गाइस वहाँ थोड़ा बहुत काम वाम है ना, तो गाइस मेरा काम लगा ही रहता है ना इसलिए। तो गाइस देखो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये रोड है पूरा जाने वाला। तो गाइस आज ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहना गाइस। तो गाइस आप लोग सोचते होंगे कि अंकित सिंह का ब्लॉग नहीं आता है चैनल पे, तो गाइस मेरे को टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग शूट करने में। तो गाइस अब आप लोग बन के सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो, फिर पर डे ही ब्लॉगिंग करूँगा, ठीक है गाइस। पर डे ही ब्लॉग आएगा मेरा ब्लॉग चैनल पे। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगी गाइस। तो गाइस थोड़ी देर और बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग पे, ठीक है गाइस। पूरा मैं पहुंच चुका हूं, जल्दी से पेट्रोल डरा लेते हैं जाके, और जो मेरा काम है वो काम हम कर लेते हैं, चलेंगे घर पे। घर पे आ चुका हूँ, पूरा में जो काम था वो भी हो गया, घूम फिर आए। तो गाइस अब जा रहा हूँ खेतों पर। फाइनली गाइस खेतों के पास पहुँच चुका हूँ। देखो पिछले ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को कि आलू छोटे छोटे थे, बिल्कुल जमे भी नहीं थे, तब पानी लगाया था मैंने इन आलू में। तो गाइस देखो वे रहे मेरे ब्रो भाई साहब, तो मशीन से दवा ववा डाल रहे हैं ना गाइस। देखो ये सब दवाई पड़ रही है आलूओं में। तो गाइस देखो आलू काफ़ी बड़े हो गए ना, और इधर भी गाइस देखो आलू ही आलू हैं, और उधर रही राई, उधर गाइस उधर खेत पर राई है, उधर वाले सामने वाले में। तो गाइस देखो आलू कितने बड़े बड़े हो गए। फिलहाल अभी आलू इसमें पड़ा हुआ नहीं है ज़मीन में, मतलब अभी जो पौधा होता है ना आलू का वो मतलब काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो गाइस 15-20 दिन या महीना खान भी समय लग सकता है आलू पड़ने में। तो गाइस देखो यहाँ थोड़ा बहुत काम वाम करा लेते हैं फिर चलेंगे घर पे।